जयपुर में गुजर की थड़ी स्थित निजी होटल में संपर्क संस्थान के तत्वावधान में काव्य संग्रह शब्दों के कारवा काव्य मोचन किया गया। कवयित्री रेणु शर्मा की ओर से संपादित इस काव्य संग्रह में देश विदेश की 131 कवयित्रियों की रचना को शामिल किया गया है और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष वेद व्यास, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पूर्व सचिव प्यारे मोहन त्रिपाठी और संस्थान के अध्यक्ष अनिल लड़ा मौजूद रहे। कार्यक्रम में संपादक रेणु शर्मा ने बताया कि काव्य संग्रह तैयार करने का उद्देश्य देश की कवयित्रियों को मंच प्रदान करना है और साथ ही इस दौरान रेणु शर्मा ने देहदान का संकल्प लिया। आज हम शब्दों का कारवा जो संपर्क संस्थान के तत्वाधान में आयोजित है उसके विमोचन समारोह में एकत्रित हुए हैं, जिसमें देश विदेश की 131 ख्यातनाम और नामचीन कवित्रियां हैं वो इसमें शामिल हुई हैं। साथ ही इसमें नवोदित कवित्रियों को भी हमने स्थान दिया है ताकि उनके मन में साहित्य के प्रति जो अनुराग है वह वहाँ पर दबे नहीं बल्कि आगे हिलोरे लेता हुआ उन्हें आगे मौका मिले। साथ ही इसमें जो कविताएं हैं उनकी रंग रूप पीड़ा हर्ष विषाद सबको लेकर उन्होंने कविताएं की हैं। ये जयपुर का पहला काव्य संग्रह है जिसमें 151 महिला रचनाकारों ने अपनी भूमिका निभाई है। महिला सशक्तिकरण का ये उदाहरण कहा जा सकता है। और आपको ही बताना चाहूँगी, मैं एक बात का खुलासा करती हूँ, मेरा जीवन शिक्षा साहित्य और सामाजिक सरोकारों को समर्पित है। आज की इस पुस्तक में मेरी एक कविता छपी है जिसका जिसका शीर्षक है मैं रुकूंगी नहीं। तो उसी का है कि कोशिश चाहे लाख कर लो हमें सपनों से जुदा करने की, पर साथ में ये भी समझ लो हर संभव कोशिश हम भी करते रहेंगे उन्हें सच कर जाने की। तो ऐसे ही करके मेरी पूरी कविता इस पुस्तक में छपी है।